आप अटैक गुरु के साथ में, और आज मैं एक अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ एक एग्जस्ट पेन के बारे में। और वो एग्जस्ट पेन मैंने परचेज किया है और देखते हैं उसके अंदर क्या है। देखिए ये जो है एक एग्जस्ट पेन है जिसका मैंने मेक बताता हूँ। ये लाइफ लॉन्ग का है, परचेज किया है जो मैंने, लाइफ लॉन्ग का है ये प्रोडक्ट। और इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, पहली बात तो ये इसमें 1 ईयर की गारंटी दे रहा है, ये वारंटी 1 ईयर वारंटी है। एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन है ये दो, क्योंकि 250 mm का ये पेन है। और जो है इसकी आरपीएम जो हाई आरपीएम 1400 RPM का ये फैन है, इजी इंस्टॉल हो जाता है, नॉइज़ लेस है। नॉइज़ लेस इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो है पूरी बॉडी इसकी प्लास्टिक की बनी है, इसलिए इसमें नॉइज़ होने के ज़्यादा चांसेस ही नहीं है कि कितना नॉइज़ कर सकता है, बहुत मिनिमम लो, ठीक है। और इसके साथ में एक ये लिफाफा दिया है। इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर जो बिल है इसका, जो मुझे जो मैंने जो परचेज किया अमेजोन से, वो है 1126 रुपये का मैंने ये परचेज किया है। और इसके बारे में थोड़ा बहुत और भी कुछ दिया है कि ये क्या है, इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इसका जो नेम है एग्जस्ट फैन हो गया, और मॉडल नंबर LLEF10, वाइट कलर का है, 1 ईयर गारंटी है। इसकी जो है ये जो इसका साइज है 35x18x35, ये सेंटीमीटर में इसका साइज इतने साइज का है। ये 220 वोल्ट से 230 वोल्ट का इसका वोल्टेज वेरिएशन है, और 50 हर्ट्स 45 वाट का ये है। 45 वोल्ट आपकी मतलब 45 वाट आपका कंजप्शन रहेगा, पावर कंजप्शन 45 वाट का है। तो इसकी अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपकी इसकी बॉडी जो है, जैसा ये इसमें लिखा है, ये वाइट कलर की बॉडी है, वाइट बॉडी है बिल्कुल। और इसमें जो है इसमें लाइफ लॉन्ग लिखा हुआ है, और इसके बारे में जो दिया हुआ है वो सेम जो मैंने आपको बताया, वो सब कुछ इसमें है। अब मैं आपको इसमें चला के दिखाऊँगा कि ये जब ये जो जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो कैसे वर्क करता है। क्योंकि देखिए आपका ये जो सामने है, ये हवा का जो वो है एडजस्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, इसके फ्रंट डायरेक्शन में नहीं रहेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अपोजिट डायरेक्शन होने से ये जो इसके बाद में फिन्स लगी हुई हैं ये ओपन हो जाएंगी। बेसिकली ये जो AC रूम रहते हैं उनके लिए है, और जब भी कभी इसे बंद कर देंगे आप, जब ये ऑफ रहेगा, ऑफ कंडीशन में ये सेम AC रहेगा, जिससे कि बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती, ना ही डस्ट पार्टिकल्स कोई अंदर आएंगे। तो मीन्स ये है कि जब इसे ऑन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और एडजस्ट करेगा एयर को आपके रूम के बाहर, ठीक है। और मैं एक बार इसे स्टार्ट करूँगा, आपको दिखाऊँगा मैं। ये इसकी जो वायर है, सप्लाई वायर, कम से कम ये 1 मीटर की है, 1 मीटर लंबी इसमें वायर है। अभी मैं इसे ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद आपको दिखाऊँगा ये कैसे चलता है। हेलो, हाँ देखिए ये मैंने कनेक्ट कर दिया सप्लाई से, और अभी मैं इसे ऑन करूँगा। ये जैसे ही ये रोटेट करने स्टार्ट करेगा, और पीछे जो फिन्स लगी हैं ये ओपन हो जाएंगी। पीछे जो फिन्स हैं ये इसकी जो हवा की डायरेक्शन है अपोजिट साइड में, तो अभी ये क्योंकि अभी थोड़ी सप्लाई कम है इसलिए थोड़ा तेज़ नहीं मूव कर रहा, और ये इसी तरीके से ये मूव करता है और ये फिन्स ओपन हो जाती हैं, जिससे कि अंदर की एयर बाहर फेंकना स्टार्ट कर देता है। तो देखा था गाइस ये जो है किस तरीके से ये वर्क करता है, और जो है किस टाइप से आप कितना साइज़ क्या है इसका। और मेरे ख्याल से लाइफ लॉन्ग जो एक अच्छा प्रोडक्ट है, और 1126 रुपये का ये प्रोडक्ट है, आप परचेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।